सो हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मे बयान पर। ट्रेडर्स, सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट की। तो यहाँ पर आज हमें निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 16,988 पे। हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो बात करते हैं कल के दिन हमें कहाँ निफ्टी पर ट्रेड करना है, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डेली चार्ट पर निफ्टी को समझेंगे कि निफ्टी में डेली चार्ट पर क्या पैटर्न बन रहा है, क्या आने वाले टाइम पर हमें टारगेट मिल सकते हैं। इससे पहले हम मे बयान के फ्री टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं। सो ट्रेडर्स, ये है मे बयान का फ्री टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर हम लाइव मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह 9:23 पर हमने आपको बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रोवाइड किया था, जो था 39,500 का पुट ऑप्शन बाय अबव 480 to 490, जिसके टारगेट थे 540 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके सभी टारगेट हिट हुए हैं, काफ़ी अच्छे हमारे टारगेट मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 590 तक यहाँ पर वो गया है, इसके बाद यहाँ पर उसका हाई आप देख सकते हैं 650 का उसने हाई लगाया, तो काफ़ी अच्छा आज हमने प्रॉफिट बनाया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8517892021, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब बात करते हैं कि कल के दिन हमें कहाँ ट्रेड करना है, तो हम सबसे पहले निफ्टी को डेली चार्ट पर समझने वाले हैं। सो ट्रेडर्स, हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी पर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो यहाँ पर 16,800 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पर उसका आज हमें रिवर्सल यहाँ से देखने को मिला मार्केट में, जब 16,800 के करीब यहाँ पर हमें निफ्टी देखने को मिला तो वहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 16,800 निफ्टी के लिए। अक्टूबर में हमें निफ्टी 16,800 पे देखने को मिलता, उसके बाद आज मार्च के अंदर निफ्टी ने फिर से यहाँ पर 16,800 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर ये डबल बॉटम का भी साइन हो सकता है, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिवर्सल भी ले सकता है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि डेली चार्ट पर हमारा जो सपोर्ट है वो है 16,800। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी 17,200 से 17,300 का लेवल निफ्टी पर काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है। 17,200 से 17,300 का लेवल ये निफ्टी पर रेजिस्टेंस रहने वाला है। कुछ दिन मार्केट यहाँ पर जिगजैग देखने को हमें मिल सकता है, इसके बाद हमें मार्केट में जिस भी रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा मार्केट उस तरफ जाने के लिए रेडी हो जाएगा, तो हमें वेट करना होगा। 17,200 के ऊपर मार्केट निकलता है या फिर 16,800 के नीचे डे कैंडल पर हमें मार्केट में क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पर डेली चार्ट पर आपको देख सकते हैं 17,200 से 17,300 रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है, 16,800 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो 16,800 के नीचे अगर हमें डेली चार्ट पर क्लोजिंग मिलती है तो वहाँ से मार्केट हमें यहाँ पर लगभग 16,300 के करीब भी देखने को मिल सकता है, उसके बाद 15,900 हमारा सेकेंड टारगेट रहने वाला है। तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट अभी है, कुछ टाइम यहाँ पर सस्टेन कर रहा है एक ही रेंज में, तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर मार्केट किस रेंज का ब्रेकआउट करता है। बात करते हैं कि हमारे डेली चार्ट पर हमारे निफ्टी पर क्या लेवल रहने वाले हैं, मतलब कि कल इंट्राडे लेवल हमारे निफ्टी पर क्या रहने वाले हैं, तो हम 15 मिनट के चार्ट पर चलने वाले हैं। सो ट्रेडर्स, इंट्राडे लेवल की बात की जाए निफ्टी पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो हाई है निफ्टी ने अभी फिलहाल वो ब्रेक नहीं किया है, जो कि है 17,050 का लेवल। तो कल के लिए भी ये 17,050 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो अभी हमारा फिलहाल सपोर्ट बन चुका है निफ्टी पर वो बन चुका है 16,920 का लेवल, ये हमारा निफ्टी पर अभी सपोर्ट है। तो ये रेंज कल के दिन इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस रेंज के अलावा हमें ब्रेकआउट मिलता है इस रेंज का 17,050 के ऊपर, यहाँ पर निफ्टी हमें देखने को मिलता है तो हम ट्रेड कॉल साइड में लेने वाले हैं। यहाँ पर ब्रेक होता है रिटेस्ट पर हम ट्रेड लेने वाले हैं। डाउन साइड में अगर फिर से 16,920 का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर हमें रिटेस्ट पर यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है। फर्स्ट टारगेट हमारा 16,800 का रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मैंने आपको बताया है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रहने वाला है। 16,800 का लेवल अगर इंट्राडे लेवल पे भी ब्रेक होता है तो काफ़ी डाउनसाइड में हमें मार्केट देखने को मिल सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर 16,800 का लेवल भी कल के दिन ब्रेक होता है तो हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि 17,050 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारे क्या टारगेट रहने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट हमें मिलने वाला है ये, जो कि है 17,150 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट निफ्टी पर रहने वाला है। सेकंड टारगेट हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है 17,250 का लेवल, ये 100 पॉइंट के 2 टारगेट हमें अपसाइड में मिलने वाले हैं। डाउन साइड की बात करें तो ये रेंज मेरा ब्रेक होगी 16,920 का लेवल, अगर ब्रेक होता है तो हमें डायरेक्टली अच्छा काफ़ी अच्छा टारगेट मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 16,800 का लेवल। ये लेवल ब्रेक होता है तो समझो कि गई भैंस पानी में, तो ये हमारे कल के दिन ट्रेडिंग लेवल रहने वाले हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।
अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी पर हमारे क्या ट्रेडिंग लेवल रहने वाले हैं। तो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी की बात की जाए इंट्राडे लेवल पर, तो बैंक निफ्टी पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि है 39,400 के करीब। यहाँ पर बैंक निफ्टी पर रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड मिलने वाली है। काफ़ी अच्छा हमारा टारगेट मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 39,600 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। कल के दिन सेकेंड टारगेट हमारा रहने वाला है 39,800 का। काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये दो अपसाइड में हमारे टारगेट रहने वाले हैं। अगर 39,400 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट 39,600, सेकंड टारगेट 39,800 का हमें बैंक निफ्टी पर मिलने वाला है। सपोर्ट की बात की जाए तो जब तक अब ये लेवल ब्रेक नहीं होता है जो कि है 39,000 का बैंक निफ्टी पर, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम पुट ऑप्शन यहाँ पर बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 38,800 के करीब। ये हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में रहने वाला है। सेकंड टारगेट रहने वाला है 38,600 के करीब। डाउन साइड में भी हमारे 200 पॉइंट के टारगेट रहने वाले हैं। अपसाइड में हमारे 200 पॉइंट के टारगेट रहने वाले हैं। इसके अलावा ये जो 20 की रेंज है, यहाँ पर आप नियर टू सपोर्ट बाय कर सकते हैं, नियर टू रेजिस्टेंस सेल कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर इस रेंज में ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कल के दिन ट्रेडिंग लेवल रहने वाले हैं। सो ट्रेडर्स, अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8517892021। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए शुक्रिया।